दोस्तों ये कहानी एक ऐसी संस्कारी माँ और उसके छपरी बेटे की है जिसको गंजेड़ी बनने की आदत लग जाती है यानी सुट्टा मारने की। इसीलिए वो उसकी आदत छुड़ाने के लिए उसके साथ ढिंक चिका रे ए ए ए रे ए ए ए करती है यानी भटाभट करती है। तो चलिए देखते हैं इस प्यार को क्या नाम दें। कहानी की शुरुआत में हम इसी छपरी लड़के जोई को देखते हैं जो कि अपनी माँ कैथरीन और अपने सौतेले बाप डॉगलेस के साथ खाना खा रहा था। जोई अपने सौतेले बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वहीं जोई की माँ कैथरीन एक सिंगर थी जिसने नेहा कक्कड़ को भी फेल कर रखा था और जोई के रियल फादर इटली में एक टीचर थे। कैथरीन अपने म्यूजिक शो के लिए डॉगलेस के साथ इटली जाने का प्लान बनाती है जिस पर जोई भी वहाँ जाने की जिद करता है लेकिन कैथरीन उसे मना कर देती है। वो कहती है तू अभी निप्पल पीता वो बच्चा है, जिससे जोई का मूड खराब हो जाता है। वहीं डॉगलेस अपनी कार को मोड़ रहा था कि सडनली उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो टैम बोल जाता है यानी यमराज जी के भैंसों पर बैठ जाता है। डॉगलेस को देखकर जोई भी परेशान हो जाती है जहां पर कैथरीन भी गेंडे के आंसू बहा रही थी क्योंकि बिना दही और कढ़ाई के मिलन से कड़ी नहीं बनती। कैथरीन को डॉगलेस के मरने से नहीं बल्कि कड़ी ना बनने का दुख था और उसके दुख में उसका बेटा पूरा भरपूर साथ देता है। अब कैथरीन अकेली पड़ जाती है इसीलिए वो अपने साथ जोई को भी इटली ले जाती है। इटली पहुंचने की देर नहीं होती उससे पहले ये छपरी अपने दोस्त बना लेता है। वहीं उसकी दोस्ती एक लड़की से होती है जिसका नाम एरियाना होता है। इसके बाद वो दोनों एक मूवी देखने जाते हैं जहां वो दबा दबा के प्यार मोहब्बत की बातचीत करते हैं और मूवी देखने चले जाते हैं जहां वो प्यार मोहब्बत में किस करने लगते हैं। उसके बाद जोई अपनी माँ की म्यूजिक शो में जाती है जहां सब लोग कैथरीन के गाने की तारीफ कर रहे थे जिसे देखकर जोई को अपनी माँ पर प्राउड फील होता है। अब कैथरीन काफी ज्यादा फेमस हो जाती है और बहुत बिजी रहने लगती है जिसकी वजह से वो जोई के बर्थडे को भूल जाती है। अगले दिन कैथरीन की एडवाइजर उससे बोलती है कि कल जोई का बर्थडे है। वहीं कैथरीन कहती है अबे यार मैं तो भूल गई थी, लेकिन वहीं पर जोई उसकी सारी बात सुन रहा था जिससे वो नाराज हो जाता है कि आखिर मेरी माँ मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती है। उसके बाद उसकी माँ उसे मनाती है जहाँ वो मान जाता है। अगले दिन कैथरीन जोई के बर्थडे की पार्टी करती है। वो पार्टी में दबा के पी लेती है जिसकी वजह से वो छपरी डांस करने लगती है। ये देखकर जोई को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बल्कि उसको शर्म आने लगती है, इसीलिए वो एरियाना को साइड में लेकर चला जाता है। वहीं जोई को ढूंढते कैथरीन भी उसके पास पहुंच जाती है जहां वो दोनों किस कर रहे होते हैं, जिसे देखकर कैथरीन बहुत खुश होती है। लेकिन जब वो उनके पास जाती है तो वो देखती है कि जोई एक इंजेक्शन को अपने हाथ में लगवा रहा था, जिसे देखकर कैथरीन गुस्से में दीवार पर बॉक्सिंग करने लगती है जिससे गुस्सा होकर जोई भी वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर कैथरीन जोई से इंजेक्शन के बारे में पूछती है और ये सुनकर जोई गुस्से में सब सामान को तोड़ फोड़ देता है। जोई का गुस्सा शांत कराने के लिए कैथरीन उसे पियानो बजवाने लगती है और जब वो पियानो बजाता है तभी कैथरीन जोई के हाथों पर ढेर सारे इंजेक्शन का निशान देखती है तो वो उससे पूछती है ये निशान कैसे आया। वहीं जोई उसे धक्का देकर उससे लड़ाई करने लगता है और वहीं गुस्से में जोई वहां से भाग जाता है और गली में हांडने लगता है और रात होते ही वो अपने घर के बाहर आकर बैठ जाता है। तभी कैथरीन जोई के पास आती है। वो कहती है मेरे राजा बेटा क्या हो गया, अपनी माँ को नहीं बताएगा? तो जोई कहता है कि मुझे अपने पापा से मिलना है। जोई को काफी ठंड लग रही थी इसीलिए कैथरीन उसे अपने साथ अंदर ले जाती है। जोई की तबीयत काफी खराब हो जाती है इसीलिए वो एक डॉक्टर को बुलाती है। उसे चेक करने पर डॉक्टर बोलता है कि यह कोई बुखार नहीं बल्कि ज्यादा नशा करने की वजह से हुआ है, तुम जितना इसे नशे से दूर रखोगी ये उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। इसी वजह से कैथरीन काफी उदास रहने लगती है। एक दिन कैथरीन कहीं से आ रही थी तभी उसे अपनी गाड़ी में एक लड़का बैठा हुआ दिखाई देता है जिसका नाम मुस्तफा था और ये वही लड़का था जो जोई को नशे वाला इंजेक्शन बेचता था। घर पहुंचने के बाद वो कैथरीन से बोलता है जोई तुम्हारे पैसे चुरा कर वो छपरी वाला नशा करता था, जिस पर कैथरीन उससे कहती है कि तुम्हें इतनी सी उम्र में ये सब काम नहीं करने चाहिए। मुस्तफा बोलता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और मैं वापस अपने कंट्री में जा रहा हूं। वो कैथरीन को एक पुड़िया देता है और कहता है कि जोई को इसकी नीड होगी। घर वापस आने पर कैथरीन को पता चलता है कि जोई अब पहले से बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है। इसी खुशी में वो दोनों में कैंडल लाइट के साथ डिनर करते हैं लेकिन डिनर अच्छा ना बनने की वजह से जोई का पूरा मूड खराब हो जाता है। बल्कि आज का खाना इसी छपरी ने बनाया था, ये लो भैया खुद के खाने से खुद ही गुस्सा, वाह बेटे वाह।
और जोई वहां से उठकर चला जाता है। जोई को मनाने के लिए कैथरीन जानबूझकर उसे वही पुड़िया देती है, जिसे देखकर वो झूम उठता है। उसे लेने के लिए जोई एक खाली इंजेक्शन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे खाली इंजेक्शन कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो अपने हाथ काट लेता है। उसके हाथ को देखकर कैथरीन काफी डर जाती है और प्यार से उसके हाथ पर किस करने लगती है। वहीं जोई कैथरीन का हाथ नीचे ले जाता है, जिसके बाद कैथरीन भी ढेंचू ढेंचू करने लगती है। अगले दिन कैथरीन और जोई कार में बैठ के कहीं जा रहे होते हैं कि तभी वहां से रेल आने वाली होती है और उनको गाड़ी रोकनी पड़ती है। वहीं कैथरीन जोई को बताती है कि मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हारे पापा को यहीं पर किस की थी, और उसके बाद कैथरीन छपरी को भी किस करती है। उसके बाद कैथरीन जोई को अपने म्यूजिक स्कूल में घुमाने ले जाती है, लेकिन जोई को वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं कैथरीन का पंचर लगाती है और ठीक होते ही जोई वहां से लेकर भाग जाता है और कैथरीन उसके पीछे भागते भागते रह जाती है। थोड़ी देर बाद कैथरीन वहीं पर एक आदमी से हेल्प मांगती है और वो आदमी उसे पेट्रोल पंप के पास ले जाता है, जहां उसे जोई की गाड़ी दिखती है। वहीं कैथरीन उस आदमी को अपने साथ अंदर लेकर चली जाती है और उस आदमी के साथ रोमांस वाली बातें करने लगती है। वहीं पर जोई भी होता है, जो कैथरीन को देखकर सुलग जाता है और गुस्से में अलग अलग हरकतें करने लगता है। अब जोई काफी गुस्से में आ जाता है तो वहीं कैथरीन उससे बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मूड मूड में भटाभट होने वाली थी, लेकिन तभी वो गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन कैथरीन जोई को अपने फादर से मिलवाने के लिए स्कूल ले जाती है, जहां पर उसके फादर एक टीचर थे। वो बच्चों से बोलते हैं कि कल तुम्हारी छुट्टी है। वहीं जोई अपने पिता के जूते पहन लेता है और अपने जूते वहीं पर छोड़ देता है, ताकि वो अगले दिन जूते बदलने के लिए उनके घर जा सके। अगले दिन जोई अपने पापा के पास जाता है, जहाँ पर वो उनसे क्वेश्चन पूछता है कि क्या आपको पता है कि आपका बेटा भी है। वो बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट तुम कौन हो और मेरे बेटे के बारे में तुम इतना क्यों पूछ रहे हो। तो इस पर जोई बोलता है, मैं उसका दोस्त हूँ और आपका बेटा मर चुका है, कल तुम्हारी वाइफ का म्यूजिक शो है। ये बोलकर जोई वहां से चला जाता है और अपनी माँ से जाकर बोलता है कि पापा बहुत अच्छे हैं। अगले दिन कैथरीन अपने म्यूजिक शो में जोई और उसके पापा दोनों को देखती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी कैथरीन उसे बताती है कि जोई तुम्हारा और मेरा बेटा है, और ये सुनकर जोई के पापा उसके पास जाकर उसके खींच के रैप्टा मारते हैं। वो कहते हैं कि मुझसे झूठ बोलेगा, लेकिन जोई को इस चांटे से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चांटा उसके पापा ने मारा था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी का नाम है लालूना, जो कि साल 1979 में रिलीज की गई थी। अगर किसी भी भाई को मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करनी हो तो वो मुझे फॉलो कर सकता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आए हो तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।